इश्क जो हमसे रूठ गया। इश्क जो हमसे रूठ गया, अब उसका हाल सुनाए क्या। वो इश्क जो हमसे रूठ गया, अब उसका हाल सुनाए क्या। अपनी पुरानी यादें और यादों के जुड़ों के मैं आज फिर मैं लेके आ गया हूँ आपको फैसल टाउन। जैसा कि आप जानते हैं कि फैसल टाउन इस्लामाबाद ने जिस एरिया में अपनी ख़रीदारियाँ की हैं उस एरिया से मेरा बड़ा पुराना ताल्लुक है। जिस एरिया में आज मैं आपको लेके आया हूँ ये जनरल सलीम साहब का डेरा था। आज से 4-5 साल पहले जब हम सब दोस्त उदास होते तो शामें इस जगह गुजारा करते होते थे। उदासी के आलम में, परेशानी के आलम में हम इस जगह पे आया करते थे, इस डेरे पे। हमारे पास एक अदद रबाब और एक अदद गिटार हुआ करता था और यहाँ पे फिर शाम मौसीकी की सजा करती थी और साथ ही उदासियों में तिका पार्टी स्टार्ट हुआ करती थी। ये उन दिनों की बात है जब हम अलहरम सिटी में प्रॉपर्टी का काम किया करते होते थे। यूँ यहाँ महफिल सज जाती, तिका पार्टी स्टार्ट हो जाती और चारपाइयाँ बिछ जाती और हम उन पे आके बैठ जाते और फिर ये शामें यहाँ पे गुज़रा करती थी। यहाँ हर तरफ दरख्त ही दरख्त थे और इस ज़मीन के बारे में अगर मैं आपको बताता चलूँ तो ये 4000 कनाल पे मुहित ये ज़मीन थी। आइए आज आखिरी मर्तबा इस याद को इस कैमरे में महफूज करते हैं, क्योंकि फैसल टाउन फेज़ 2 अगले कुछ दिनों में मेरी ये सारी यादें यहाँ से मखदूश कर देगा और फिर यहाँ खूबसूरत घर बन जाएंगे और आप लोग आबाद होंगे। फैसल टाउन यहाँ पे एक नई दुनिया आबाद कर रहा है, नया शहर आबाद कर रहा है और अगर आप ये चाहते हैं कि आपका इस शहर में घर हो और इस नई दुनिया में आपका घर हो तो आप स्क्रीन के नीचे दिए गए नंबर पे अभी रابطہ करें। यादों के झरोंके और यादों के दरीचों में से बाहर आते हैं क्योंकि अभी बहुत सारा काम करना है, ड्रोन शॉट्स भी लेने हैं, नई अपडेट्स भी, और रिंग रोड रावलपिंडी कहाँ से गुजर रहा है और कहाँ तक जाएगा ये भी आपको बताना है। सिर्फ इतनी बात करूँगा कि दुआ कीजिएगा कि ये सफ़र ज़िंदगी का इसी तरह इख्तिताम को पहुँचे और आपकी और हमारी मोहब्बतें इसी तरह कायम और दायम रहे। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से गुजारिश है कि आप तमाम लोगों को फैसल टाउन में हम कंसेशन भी दे रहे, आप बराए रास्त हमसे राबता कीजिएगा और अभी बुक कीजिएगा अपना प्लॉट और उसके लिए अभी डेटा भेजें। आज का ये व्लॉग यहाँ पे ख़त्म हुआ। मेरे साथ मेरे साथी और टेक्नीशियन मोहम्मद याकूब और कामरान खान को आज तक इजाज़त दीजिए। अगली वीडियो ज़रूर देखिए। इसी के साथ खुदा हाफिज़।